Channel to report on Sri Sri's mediation attempts. A new claimant now has come to the fore on the Babri Masjid issue, speaking out first time on Times Now. Yaqub Habibuddin Tusi, who claims to be a descendant of the Mughals, claims that he is the rightful heir to the Babri Masjid and that he also supports Sri Sri's efforts. He further confirms that he met Sri Sri Ravi Shankar on the 22nd of October this year. हम ही चाहते हैं कि मुस्लिम पर्सनल लॉ के लोग भी आगे आएँ और मुसलमान के लीडर्स भी आए और इस प्रेम का जो संदेश आज सुप्रीम कोर्ट ने बोला है इसको बैठकर अगर हम चाहते हैं कि अगर हो सकता है तो उसको कर ले। कल हम अयोध्या जा रहे हैं, वहाँ के तमाम हिंदू भाई से मुसलमान भाई से पूछेंगे कि उनकी राय क्या है। आप बैठते, मैं हैदराबाद में रहता हूँ, आप लखनऊ में रहते, जो नमाज़ पढ़ने वाले मुसलियाँ हैं उनकी राय बड़ी इंपॉर्टेंट मान जाती है। कुरान के अंदर मुसल्ली की इंपॉर्टेंस ही बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि आप बैठ के भाषण देने से या भड़काऊ स्पीचा देने से इसमें लड़ाई पड़ा, तो वहाँ के मुसलमान क्या चाहते हैं हम वो राय लेंगे, फिर धर्मगुरुओं को बैठेंगे, उसके बाद एक ऐसा फैसला करेंगे जो हिंदुस्तान की जो मोहब्बत है वो ताक़यामत तक कायम रहेगी इंशाल्लाह। लेकिन हमारा जो फैसला होगा इंशाल्लाह, हम मेरी राय नहीं, तमाम हिंदुस्तान के मुसलमानों के जो गढ़ है, जो मुसलमान के लीडर्स है, जो हमारे जो श्राइन्स के जो प्रॉफिट मोहम्मद के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की राय, श्री श्री रविशंकर की राय, डॉक्टर अमरनाथ अखाड़ा के जो धर्म गुरु है, पंडित है, उन सबकी राय लेकर फैसला करेंगे।